नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव वाईफाई कन्वाइंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टेट के गणित वाले भाग को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए चैप्टर के साथ मैंने अपनी क्लास को शुरू करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा यूपी टेट का सिलेबस है उसमें हमें साधारण ब्याज ही पढ़ना है। इसके दृष्टिकोण से पहले हम साधारण ब्याज को पढ़ेंगे, फिर जो आगे के सिलेबस के अनुसार अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज की भी आवश्यकता पड़ी तो हम आपको पढ़ाएंगे उस चैप्टर को। पहले हम इस चैप्टर को एकदम बेसिकली से समझते हैं, और अगर इस चैप्टर की भाषा में दो तीन फैक्ट ऐसे हैं, माने ये होते क्या हैं, आपको इनकी जानकारी हो जाएगी तो आप इस चैप्टर को आसानी समझ लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो तीन शब्द है हमारे पास जिसको सामान्यतः हम बोलते हैं मूलधन, इसके बाद दर, समय। हम एक उदाहरण के माध्यम से इन शब्द की परिभाषा आपको बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे राम और श्याम दो व्यक्ति, राम बहुत अमीर घराने का व्यक्ति है जबकि श्याम एक गरीब व्यक्ति है। श्याम जो है राम से उधार लेता है कितना रुपए, 100 रुपए। आज की कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, आप भी किसी को उधार देंगे तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि हम इसको इस 100 रुपया उधार दें, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो बात वही अंत में निकल के आ रही है, इन राम और श्याम के बीच एक कंडीशन लागू होता है कि भाई हम आपको 100 रुपया तो दे देंगे लेकिन इसके बदले आप हमें क्या देंगे। तो ठीक है, श्याम ने बोला हम आपको इसके बदले 5 रुपया देंगे। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे 100 रुपया ले ले और बोल दे 5 रुपया हम आपको देंगे, आप हम माने अमाउंट जो 100 रुपया है उसको हमारे पास रखे रहिए, इसके बाद हम आपको 5 रुपया देंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि किसी को 100 रुपया देने के बाद 5 रुपया आप लेंगे? अब कब लेंगे इसका भी निर्धारण होना चाहिए। तो राम के मन में प्रश्न आया कि हमें आप 100 के बदले 5 दोगे, लेकिन कब तक दोगे, कितने समय में दोगे? तो बोला ठीक है, यह समय की भी बात हो गई, मान लीजिए 1 वर्ष में देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम थोड़ा सा अमीर व्यक्ति है और श्याम क्या है, वह गरीब व्यक्ति। श्याम जाता है राम के पास, 100 रुपये कर्ज के रूप में लेता है। अब हम सामान्यतः प्रारंभिक गणित में या किताबों में यह पढ़े होंगे, राम को हम साहूकार भी बोल सकते हैं। साहूकार का ही मतलब होता है जो आपको कुछ अमाउंट कर्ज के रूप में दे। तो अब देखिएगा दोस्तों, श्याम ने राम से कितना रुपये लिया, 100 रुपये लिया, इसी को हम प्रिंसिपल अमाउंट माने मूलधन बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट माने मूलधन, माने जो श्याम सीधे सीधे राम से पैसा ग्रहण किया, कितना किया, 100 रुपये, या श्याम किसी साहूकार से जो पैसा ग्रहण किया उसी पैसों को हम क्या बोलते हैं, मूलधन। जब श्याम राम से पैसा ग्रहण कर रहा था तो उस पर कंडीशन लगाया गया, उस पर शर्त लगाया गया कि ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है, क्या ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे लेकिन इसके बदले हमें कुछ है चाहिए। तो वह बोला कि हमें 100 रुपये के बदले 5 रुपये चाहिए। कितने समय के लिए चाहिए, माने अगर हम आपको 100 रुपये देंगे तो उसके बदले हम क्या लेंगे, 5 रुपये लेंगे, और कितने समय के लिए लेंगे, 1 वर्ष के लिए। देखिएगा बात, समझिएगा,
पांच रुपया जो वह ले रहा है इसी को हम बोलते हैं दर। माने राम अगर किसी को 100 रुपया देगा तो साल भर के लिए कितना लेगा, 5 रुपया। इस 5 रुपये को हम क्या बोलते हैं, दर। अब एक समय निर्धारण हो जाता है कि यह पैसा इतने समय के लिए लिए दिया जाएगा, तो वह समय बोला जाता है। अब तो बात आपको स्पष्ट क्लियर हो गई हो दोस्तों, मूलधन क्या होता है और दर क्या होता है, इसके बाद समय क्या होता है। तो फिर एक बार से आप कोशिश करिए, फिर से हम इसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी साहूकार से जो रुपया कुछ भी जो उधार लेते हैं रुपये के रूप में, तो वह रुपया सीधे सीधे प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है। अब उस रुपये के बदले, ध्यान दीजिएगा बात, उस रुपये के बदले साहूकार को हमें कुछ एक्स्ट्रा राशि देनी पड़ती है, जिसको हम सामान्य भाषा में ध्यान से समझिएगा बोलते हैं ब्याज। ब्याज को आप साधारण ब्याज या ब्याज दोनों नाम से जानते हैं, चाहे कुछ भी बोलें दोनों का मतलब सेम है। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, जो एक्स्ट्रा रुपए है वो एक्स्ट्रा रुपए एक निर्धारित समय के लिए दिया जाता है। अब एक निर्धारित समय कुछ भी हो सकता है, एक महीने से कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं हो कि एक वर्ष हो, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष, जी माने जो समय निर्धारण हो जाएगा उस समय को हम समय की संज्ञा देंगे। और कितने पर हो रहा है, माने 100 पर कितना रुपये वह हमसे मांग रहा है, यह बात आप गौर करिएगा। जब भी रेट का निर्धारण होगा वह 100 पर ही होता है, माने 100 रुपये पर रेट का निर्धारण हो जाता है। तो जैसे 100 रुपये में 5 रुपये, तो हम कहेंगे जो रेट की वैल्यू आई कितना आई, 5%। माने अगर हमें कहा जाएगा कि जो दर है वह 5% है, तो इससे हम भाषा स्पष्ट कर लेंगे कि जो श्याम है बेचारा राम को चुका रहा है प्रति 100 के बदले कितना, 5 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम इस चैप्टर से एक कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मूलधन के बारे में बात हो गई, दर के बारे में बात हो गई, समय के बारे में बात हो गई, साधारण ब्याज के बारे में बात हो गई। एक शब्द इसमें और है दोस्तों, उसको गौर करिएगा, जिसका नाम है मिश्रधन। मिश्रधन, जैसे राम 100 रुपया उधार दिया था, उसके बदले क्या लिया, ब्याज लिया, कितना लिया, 5 रुपये लिया, तो यह वैल्यू क्या हो गई, मिश्रधन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर जो अमाउंट हमें प्राप्त होता है उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फार्मूले के तौर पर साधारण फार्मूले, साधारण ब्याज का फार्मूले के तौर पर नोट कर लीजिएगा, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, SI, ध्यान दीजिएगा, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं तो उसका प्रतीक हम P दिखा सकते हैं, दर को हम रेट बोलते हैं तो उसका प्रतीक R दिखा सकते हैं, और समय को हम टाइम बोलते हैं तो उसका प्रतीक T दिखा सकते हैं, upon 100। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको आप SI = PRT upon 100 भी लिख सकते हो। इसके बाद अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन की तरफ। जैसे इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है रुपये 300 का 3 वर्ष में 5% की दर से, में 5% की दर से 5% की दर से
साधारण ब्याज क्या होगा? 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है रुपये 300 का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। माने जो पी की वैल्यू है दोस्तों, वो आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं, जो मूल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितना है, वह 300 रुपये। इसके बाद देखो टाइम का भी चर्चा कर दिया है, जो टी इक्वल टू दिया है दोस्तों, वह दिया है 3 वर्ष माने 3 ईयर। इसके बाद रेट भी बता दिया है, जो आर की वैल्यू दे दिया है वह दिया है 5%। अब आपसे पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज माने एस आई की चर्चा कर रहा है, प्रश्न कर रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो हम पढ़े हैं दोस्तों, एस आई इजकल टू पी आर टी अपान 100, पी आर टी अपान 100 तो हो जाएगा एस आई इजकल टू, पी की वैल्यू हमारे पास कितना है दोस्तों, 300, तो इसके स्थान पे 300 लेंगे, गुड़े आर, आर की वैल्यू कितना है 5, गुड़े टी, टी की वैल्यू कितना है 3/100। तो देखो दोस्तों, 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, 3 5 15 15 3 45 माने जो एस आई की वैल्यू आई वह कितना आई, 45 रुपये। माने 300 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, 45 रुपये। अभी इसी में इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के एक वैल्यू और पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि इसका मिश्र धन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम पढ़े हैं मिश्र धन इजकल टू, मिश्र धन इजकल टू मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन हमारे पास कितना है, 300 है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है दोस्तों, जो हम ज्ञात किए हैं 45 रुपये। इस प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 345 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिएगा, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।